आइए देखते हैं इजराइल फिलिस्तीन युद्ध टॉप 9 खबरों में। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर हमले का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना गाजा पट्टी के अंदर बारूद बरसा रही है, हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। हमले में दर्जनों हमास के लड़ाके ढेर हो गए। हमास ने इसराइल पर विध्वंसक हमला किया। सराया अलकुद्स ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट की बौछार की। हमास ने इसराइली कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाया। अलकुद्स ब्रिगेड ने हमले कर वीडियो भी जारी किया। इसराइल और हमास के बीच बारूदी हमले जारी हैं। नेगेव इलाके में रॉकेट से हमला किया गया। वहीं बेशेरबा के पास एक के बाद एक चार धमाकों की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद इलाके में सायरन बज रहे हैं। हमास से बदले की आग में जल रही इजरायली सेना हर उस ठिकानों पर हमला कर रही है जहां हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है। नुसीरत इलाके में हमास के कैंप पर इजरायल ने घातक प्रहार किया। इजरायल की वायुसेना ने नुसीरत कैंप पर बम बरसाए हैं। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना बारूदी कहर बरपा रही है। आईडीएफ ने जमीनी हमले से पहले भीषण एयर स्ट्राइक की। इजरायल ने गाजा पट्टी पर विध्वंसक हमले के लिए बड़ा प्लान बनाया है। इजरायली सेना पश्चिम से आगे की ओर बढ़ रही है। गाजा में हमास ने इजरायली सेना पर जवाबी कार्रवाई की है। आईडीएफ के व्हीकल पर हमास ने विध्वंसक प्रहार किया। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास लड़ाकों ने आईडीएफ पर हमला बोल दिया। हमास ने इजरायली जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमास ने इजरायली सेना पर भीषण प्रहार किया। हमास लड़ाकों ने इजरायली टैंक को शिकार बनाया। हमास ने यासीन शेल से इजरायली टैंक पर विध्वंसक वार कर कई टैंक तबाह कर दिए। पहली बार हमास ने यासीन शेल्स का इस्तेमाल किया है। गाजा में इजरायली फोर्स और हमास के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। हमास ने इजरायली फोर्स पर बड़ा हमला किया। हमास के ट्रैप में फंसी इजरायली सेना फंसती जा रही है। ग्राउंड अटैक के दौरान आईडीएफ के 6 आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गए। हमास के लड़ाके गाजा पर इजरायली सेना के हमले का विध्वंसक जवाब दे रहे हैं। हमास लड़ाके और आईडीएफ के बीच आमने सामने की जंग का नया वीडियो सामने आया। दोनों के बीच भीषण गनफाइट हो रही है। ये वीडियो हमास ने जारी किया।